मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ होने लगा सक्रिय, बेमौसम बारिश, इन राज्यों में फिर मचेगी तबाही। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जिससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। इस बीच कई हिस्सों में गर्मी लोगों को पसीना निकालते दिखाई देगी। आईएमडी के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 17 मई को असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 तारीख तक बिजली की गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी बिजली की चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद यहां तापमान काफी नीचे गिरने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में बने पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा व राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात के असर से बार बार मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। अगले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, सागर और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। 20 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है, वहीं अन्य जिलों में तापमान में इजाफा होगा। इधर आज नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे मौसम के मिजाज 48 घंटों तक बदले बदले नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार से चक्रवाती तूफान मोर्चा का असर देखने को मिल सकता है। यूपी मौसम विभाग ने 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने के साथ धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ 17 मई को सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 18 मई को बारिश की संभावना है। यूपी मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन मौका का असर रहेगा, इससे धूल भरी आंधी चलने के साथ बूंदाबांदी होगी। आज मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद के साथ ही बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर में आंधी के साथ तेज बारिश के आसार है। वहीं यूपी के अन्य जिलों में तेज धूप के साथ आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। इन जिलों में बारिश का अलर्ट बागपत, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शामली, बिजनौर, नजीबाबाद, फरुखाबाद, इटावा और औरैया। और आज इन जिलों में बारिश के आसार। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, मुरैना, भिंड, श्योपुर कला, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ में जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, जबलपुर, अनूपपुर, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा में बूंदाबांदी हो सकती है। इंदौर, उज्जैन समेत अन्य शहरों में तेज गर्मी रहेगी। 3 से 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन भी मौसम का हाल इसी तरह का रहने वाला है। वहीं मौसम केंद्र की ओर से मंगलवार को भी 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान बताया गया है। विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अलवर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जैसलमेर, नागौर, चुरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अधिकांश स्थानों पर धूल भरी आंधी, अचानक तेज हवाएं और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और अंत में झारखंड का मौसम, इन जिलों में होगी बारिश। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 16 और 17 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर बाकी सारे जिलों में हल्की बारिश देखी जा सकेगी। वहीं 18, 19 और 20 मई को झारखंड के पूर्वी और दक्षिणी भाग के जिले जैसे दुमका, कोटा, देवघर, पाकड़, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी।